नमस्कार आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज वन ए क्वेश्चन नंबर वन और इस क्वेश्चन नंबर वन में हम सीखेंगे कि कैसे एक सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है सो so, क्लास है इलेवंथ बुक हम फॉलो करेंगे मॉडर्न ए बी सी मैथामेटिक्स और चैप्टर नंबर वन जिसका नाम है सेट तो चलिए सीखते हैं राइट ऑन के साथ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर वन इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टरफॉर्म रोस्टरफार्म में हमें जो सेट गिवन है उसको लिखना है पहला आपके पास जो पार्ट है टोटल इसमें सिक्स पार्ट हैं सभी पार्ट्स को इस वीडियो में ही डिस्कस किया जाएगा सो so, आखिर तक बने रहें फर्स्ट पार्ट हमारे पास है ए कोई भी हमें सेट गिवन है एक्स एक्स इज एन इंटीजर एक्स हमारे पास क्या है जी इंटीजर है एंड वो इंटीजर माइनस थ्री से लेके सेवन तक आता है तो अगर हम इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें तो आप कह सकते हैं हमारे पास जो माइनस थ्री से लेके सेवन uh, तक जितने भी नंबर्स हैं वो बिल्कुल इंटीजर्स हैं और उस uh, कायदे से हमारा जो सेट होगा वो कौन सा होगा माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मुझे माइनस थ्री और सेवन नहीं लिखने क्यों नहीं लिखने क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ लेस देन का साइन है इक्वल टू का साइन नहीं है सो so इसका मतलब ये है कि माइनस थ्री से बड़े होने चाहिए और सेवन से छोटे होने चाहिए इन दोनों का इंक्लूड नहीं किया गया चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं दिस इज योर सेकेंड पार्ट जिसमें हमें एक सेट बी दिया हुआ है आप यहाँ पे देख पा रहे हो सारे जो सेट हैं वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ठीक है सो एक्स एक्स इज एन ए नेचुरल नंबर यहाँ पे हमें कौन से नंबर्स लेके चलने हैं जी नेचुरल नंबर्स लेके चलने हैं नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स लेस देन सिक्स का मतलब क्या हो गया सिक्स से छोटे सारे नेचुरल नंबर लिखें और हमें अच्छे से पता है कि सिक्स से छोटे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं वो वन से स्टार्ट होंगे क्योंकि नेचुरल नंबर वन से ही स्टार्ट होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे बिकॉज इन्होंने लेस देन बोला है सिक्स से छोटे सिक्स नहीं आएगा क्लियर आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पर थर्ड पार्ट ये रहा आपके सामने इसमें हमसे एक सी सेट दिया हुआ है और पूछा गया है एक्स एक्स इज अ टू डिजिट नेचुरल नंबर अब यहाँ पे ध्यान से देखें हमारा जो नंबर है वो दो डिजिट का बना है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई ट्वेंटी थ्री हो गया कोई फोर्टी टू हो गया ऐसे नंबर जो दो डिजिट्स को मिलाकर बनते हैं उनकी बात की गई है और ये दो डिजिट का नंबर नेचुरल नंबर है ठीक है मतलब ये नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता ये नंबर पॉजिटिव ही होगा नेचुरल नंबर सारे वन से लेके आगे बढ़ते हैं मतलब पॉजिटिव होते हैं सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज एट तो हमें ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिनका सम करने के बाद एट बने तो ऐसे डिजिट्स कौन से हैं अब आप सोचो कि अगर मैं सेवनटीन लिख दूँ सेवनटीन में अगर आप वन और सेवन का एड कर पा रहे हो तो मुझे आंसर मिल रहा है एट विच इज़ राइट तो मतलब मेरा जो सेट होगा मेरा जो सल्यूशन होगा उसमें मैं सेवेंटीन लिख सकती हूँ यस नो यस नो सेकेंड अगर हम बात करें अगर मैं यहाँ पे ट्वेंटी सिक्स लिख दूँ तो अब आप सबको पता है कि टू प्लस सिक्स करने के बाद मेरे पास एट आने वाला है अब इसको एक और इंक्रीज़ कर दो और इसको एक और इंक्रीज डिक्रीज कर दो तो यहाँ पे सॉरी दिस इज नॉट थर्टी सेवन दिस इज थर्टी फाइव हाँ जी तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा इन दोनों का ऐड करके भी फाइव आ जाएगा सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट नंबर होने वाला है फोर्टी फोर उसके बाद आपके पास आ जाएगा फिफ्टी थ्री एंड सिक्सटी टू सेवेंटी वन तो ये सारे नंबर्स मिला के हमारी ये कंडीशन जो है वो फॉलो करते हैं सो so आपका जो सोल्यूशन सेट होने वाला है वो कौन सा होगा सेवनटीन ट्वेंटी सिक्स थर्टी फाइव फोर्टी फोर फिफ्टी थ्री सिक्सटी टू एंड सेवेंटी वन सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन यहाँ पे एक बात पर बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना कि फोर्टी फोर का भी तो अपोजिट आएगा अगर मैं इस वाले 4 को आगे लिख दू और इस वाले फोर को पीछे लिख दू तो आई विल रिपीट इट अगेन कि सेट में रेपिटेशन नहीं होती है एलिमेंट्स की तो इस बात का ध्यान रखना ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पर क्वेश्चन नंबर फोर में आपसे कहा गया है एक्स इज़ अ प्राइम नंबर वी ओल नो दैट जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं वो नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ टू फैक्टर्स हों टू फैक्टर्स कौन कौन से एक फैक्टर वन होना चाहिए और दूसरा फैक्टर इट्स सेल्फ वो नंबर होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल टू हमारे पास एक प्राइम नंबर है और टू के कितने फैक्टर्स हैं ओनली ये दोनों ही फैक्टर्स हैं प्योर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो वो फैक्टर जो सिर्फ अपने टेबल पर आते हैं और सिर्फ वन के टेबल पर आते हैं उनको हम लोग हैं यस नो क्लियर अब यहाँ से हमें क्या करना है ऐसे सारे के सारे प्राइम नंबर्स लिखने हैं जो डिवाइजर होंगे सिक्सटी के कहने का मतलब है जो कहीं ना कहीं सिक्सटी को प्रॉपरली डिवाइड करते होंगे चले फिर स्टार्ट करते हैं हमारे सोल्यूशन के साथ हमारे सोल्यूशन में सबसे पहले हमने देखा कि वन तो चलो नहीं लिखेंगे ठीक है बिल्कुल वन इज़ नॉट अ प्राइम नंबर यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ अगर आपके माइंड में आ रहा है कि वन भी हमारा एक ऐसा एलिमेंट होगा तो नहीं जी वन हमारा प्राइम नंबर नहीं है प्राइम वन कुछ भी नहीं होता ना प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है वन की अगर हम बात करें इसके कितने फैक्टर्स हैं Only एक factor है। पर प्राइम नंबर हमें कितने factors बताता है? Prime number हमें दो फैक्टर्स so, नहीं करता कहने का मतलब one include नहीं होगा। ऐसी so, गलती बिल्कुल भी मत करना। प्राइम नंबर सेकेंड हम बात करेंगे टू की तो जैसे मैंने आपसे कहा टू एक प्राइम नंबर है मैं अच्छे से देख पा रही हूँ और टू जो है सिक्सटी को पूरा पूरा डिवाइड भी करता है थर्टी के साथ सो नो डाउट दिस इज अवर आंसर उसके बाद बात कर लेते हैं थ्री की थ्री जो है हमारे पास इट इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर जो सिक्सटी को डिवाइड भी करेगा सो आफ्टर दैट हमारे पास आएगा फाइव क्योंकि फाइव भी एक प्राइम नंबर है और ये सिक्सटी को अच्छे से ट्वेल्व पे डिवाइड भी कर देता है आप चेक कर सकते हैं इसके बाद ऐसा कोई भी नंबर जो है वो प्राइम नहीं है जो सिक्सटी को डिवाइड करेगा प्राइम नंबर्स तो बहुत से हैं फॉर एग्जाम्पल सेवन इलेवन थर्टीन एंड अ बट ये सारे नंबर्स हमारे 60 को डिवाइड नहीं करते सो so, हमारा जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है वो बस इतना ही है जिसमें टू थ्री एंड फाइव एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं, येस नो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव में आप देख सकते हैं x x इज अ लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं क्यों इजी होते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें जस्ट लेटर्स uh, को लिखना होता है नथिंग एल्स यहाँ पे मैंने आपसे ऑलरेडी पहले भी ये बात कही थी बस एक बात का ध्यान रखना रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए दैट इज नो मतलब उसके अलावा सब कुछ क्लियर है सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है टी आ रहा है सो टी लिखेंगे आर है वो भी पहली बार आया है आई है उसको भी पहली बार ही आया है ठीक है सो जी ओ एन अगर हम देखें यहां पे ओ मेरे पास रिपीट हो रहा है तो हम नहीं लिखेंगे एम ई e, और टी भी रेपिटेशन में है आर भी रेपिटेशन में है नहीं लिखे जाएंगे लास्ट बट नोट द लीस्ट एलिमेंट होने वाला है वाई येस नो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन हाउ इजी दिस इज कितना सिंपल था आगे बढ़ते हैं पार्ट सिक्स के ऊपर पार्ट सिक्स में हमें फिर से कहा गया है कि इस जो बेटर uh, वर्ड है इसके लेटर्स का फॉर्म में सेट बनाएं तो चले सोल्यूशन लिखते हैं सोल्यूशन अब आप सबको आता है दैट इज बी ई टी ध्यान से देखें ये वाला टी और ये वाला ई रेपिटेशन में है नहीं लिखेंगे लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज आर सो दिस इज योर सोल्यूशन आई होप आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कोई भी डाउट आपका नहीं होगा स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट मैक्सिमम विद योर फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग